राजस्थान के कृषक ऋण माफी योजना का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र का दल एक दिवसीय जयपुर दौरे पर आ रहा है। रजिस्ट्रार डॉक्टर नीरज के पवन ने बताया, महाराष्ट्र के प्रमुख शासन सचिव सहकारिता आभा शुक्ला, प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी SVR श्रीनिवास, शासन सचिव कृषि एकनाथ डावले सहित 6 सदस्यीय दल 5 दिसंबर को अपेक्स बैंक में राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना का अध्ययन करेगा। दरअसल राजस्थान की तर्ज पर ही महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक इंदर सिंह ने बताया, सरकार ने सहकारी बैंकों से जुड़े 20.30 लाख किसानों के 30 नवंबर 2018 की स्थिति में करीब 8000 रुपए का फसली ऋण माफ किया है। वर्ष 2018 और 2019 की ऋण माफी पर वर्तमान सरकार ने किसानों को लगभग 15000 करोड़ रुपए की ऋण माफी प्रदान की है। तो देखिए, महाराष्ट्र का दल करेगा योजना का अध्ययन, 5 दिसंबर को अपेक्स बैंक में करेंगे योजना का अध्ययन। राजस्थान की तर्ज पर ही महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है और किसानों के ऋण माफ करने का लिया है फैसला। कृषक ऋण माफी योजना का अध्ययन करने के लिए आएगा महाराष्ट्र का दल, तो यहां पर यह योजना काफी प्रभावी रही है और इसलिए महाराष्ट्र की प्रमुख शासन सचिव सहकारिता आभा शुक्ला जो है वो पहुंचेंगे पूरी टीम के साथ, प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी SVR श्रीनिवास, शासन सचिव कृषि एकनाथ डावले समेत 6 लोग आएंगे और 5 दिसंबर को अपेक्स बैंक में करेंगे योजना का अध्ययन, राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार। और निर्मल तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। तो निर्मल, किसानों के ऋण माफ करने का फैसला जरूर लिया गया और अब राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए खुशबू, जिस तरह से राजस्थान में भी जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो कर्ज माफी योजना थी उसका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि राहुल गांधी जो तत्कालीन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि प्रदेश में अगर कांग्रेस आई तो यहाँ पर कर्ज माफ किया जाएगा। तो अब महाराष्ट्र में भी चूंकि जिस तरह से गठबंधन की सरकार बनी है कांग्रेस शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, तो वहां भी इस बात का निर्णय ले लिया गया कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। तो कर्ज माफी का जो पैटर्न राजस्थान का है उसके अध्ययन के लिए कल 6 सदस्यों का जो दल है महाराष्ट्र का, जिसमें 3 वरिष्ठ IAS अधिकारी भी हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और कल रजिस्ट्रार नीरज के पवन, नरेश पाल गंगवार जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और राजफेड की जो MD है सुषमा अरोड़ा, इनके साथ उनकी मुलाकात होगी। और इस मुलाकात के बाद किस तरह से राजस्थान के अंदर किया गया, मैं आपको नाम भी बता दूं, खासकर जो प्रमुख शासन सचिव है सहकारिता जी महाराष्ट्र की आभा शुक्ला वो इसमें आ रहे हैं। प्रमुख सचिव हैं वहाँ के सूचना प्रौद्योगिकी SVR श्रीनिवासन और कृषि विभाग के एकनाथ डावले सहित 6 सदस्य जब कल पहुंचेंगे तो राजस्थान के पैटर्न का पूरा अध्ययन करेंगे और अधिकारियों से इस बात की चर्चा करेंगे कि किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया पूरी कर्ज माफी योजना को। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान का पैटर्न जो है कांग्रेस नीत या कांग्रेस गठबंधन की जितनी भी सरकारें हैं जिन प्रदेशों में, वहां पर काफी लोकप्रिय हो रहा है फार्मूला और सब लोग चाहते हैं कि वहां के किसानों को बिल्कुल नजर रहेगी इस पर आगे भी। शुक्रिया आपका निर्मल, इन तमाम जानकारियों के लिए।